दोस्तों, जैसे आप अपने स्मार्टफोन का जो पावर वाला बटन है उसे आप दबाते होंगे तो इस तरीके से गूगल असिस्टेंट आ जाता होगा। आपका मोबाइल स्विच ऑफ होने के लिए नहीं होता होगा। आप देख सकते हैं पावर वाले बटन को दबा के इस तरीके से, ये आप देख सकते हैं। ये रियलमी के किसी स्मार्टफोन में आपको ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही होगी, या फिर आप ओप्पो या किसी अदर डिवाइस में मिल रही होगी एंड्रॉयड के अंदर। जैसे कि मैं पावर वाला बटन दबाता हूँ तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से खुल के आ जाता है। अब आप इसे कैसे हटाएंगे, तो उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की मेन स्क्रीन पे आ जाना होगा और यहाँ पे आपको मिल जाएगा सेटिंग। ये आप देख सकते हैं सेटिंग का एक ऐप है, ये देख पा रहे हैं, ठीक है। इस ऐप पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस ऐप पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद एक ऑप्शन होता है कन्विंस टूल का, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपके फ़ोन में रियलमी का फ़ोन है, ओप्पो का है, तो आपको कन्विंस टूल का ऑप्शन मिलेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे, बस इस पर आपको क्लिक करना है और ये आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ गूगल असिस्टेंट विद पावर बटन, तो इसे आप बंद कर दीजिए। जैसे इसे आप बंद करेंगे उसके बाद बैक जाएंगे, आप अपने पावर वाले बटन को दबाएंगे, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा रीस्टार्ट, ठीक है, और या फिर स्विच ऑफ का, ठीक है, इस तरीके का। इसी तरीके से आप सही कर सकते हैं। अगर आपके स्मार्टफोन कोई और है तो आप यहाँ गूगल असिस्टेंट डाल लीजिए, ऐसे डालेंगे PRI, ठीक है, SSS प्रेस, ठीक है, यहाँ पे डालेंगे पावर, ठीक है, प्रेस डाल दीजिए केवल इस तरीके से, ये देखो शो हो जाएगा। या फिर गूगल असिस्टेंट डाल दीजिए, यहाँ डाल दीजिए गूगल असिस्टेंट इस तरीके से, तो यहाँ शो हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना, इस पर क्लिक करके ये आपका ऑन होगा, इसे आप बंद कर दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जय हिंद।